देखिए अमलदास जी, आपने जो जितने भी अनुभव सुनाए हुए हैं अभी बहुत ही अच्छे हैं। मैं कुछ अनुभवों का अर्थ भी बता रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी दूर से आते हैं, और 2 साल पहले लगभग आपका कंठ चक्र खोला गया, फिर भी अब भी आप साधना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा, मैं मिलूँ ना मिलूँ आप साधना करते रहना। आपका मार्ग प्रशस्त हो गया और आपको अनुभव में दिख भी रहा है। पहला जो आपने बताया कि आप बहुत बड़े हो गए हैं, यानी आपका शरीर बहुत बड़ा हो गया है, और आँख खोली तो फिर यही छोटा शरीर। जब साधक साधना करता है और अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होने पर जितना अंतर्मुखी होता है उतनी ही इंद्रियों में, मन में, चित्त में शुद्धता बढ़ती है, और जितनी शुद्धता बढ़ती है और अंतर्मुखी होता है उतनी व्यापकता आती है। एक नियम है, जितना आप अंतर्मुखी होंगे उतने ही व्यापक होंगे। उस व्यापकता का दृश्य आ रहा है कि आप बहुत बड़े हो गए, आप व्यापक हो रहे हैं। व्यापक समझ रहे हैं ना, व्यापकता यानी फैलाव, बड़ा। वास्तव में आपके स्वरूप का फैलाव या सीमाएं बहुत बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं जितनी अप्राप्रकृति, यानी जितनी प्रकृति की सीमाएं हैं उतनी ही हर जीव की चित्त की सीमाएं हैं। लेकिन धीरे 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 निम्नमुखी होते हुए, यानी बहिर्मुखी होते होते स्थूल शरीर में आ गए, और जितना बड़ा स्थूल शरीर है 5.5-6 फीट का, इतना ही हम समझने लगे, क्योंकि इस शरीर को ही सब कुछ अपना समझते हैं और ये समझ रहे हैं कि हम अमलदास हैं। नहीं, इससे अलावा भी और कुछ है, ठीक है। यानी जब जितना आप चित्त की ओर जाएंगे उतना आप व्यापक होते जाएंगे, आपका फैलाव होता जाएगा, आपकी सीमाएं बढ़ती चली जाएंगी, इसीलिए आपका शरीर बहुत बड़ा दिख रहा है। वास्तव में व्यापक हो रहे हैं, और जब आँख खुल गई तो इन आँखों से ये शरीर ही दिखेगा, स्थूल शरीर, स्थूल जगत, तो हाँ इतना बड़ा है, वो तो अंदर की चीज़ दिख रही है। आपने कहा कि देख रहा हूँ कि आकाश में बादल नहीं है, बिजली चमक रही है, इस रूप में कुंडलिनी शक्ति का ही दर्शन है। कुंडलिनी शक्ति का दर्शन भिन्न भिन्न रूपों में होता है। जिस प्रकार से बरसात में आकाश में बादलों में, बरसात के समय आकाश में बादलों के बीच में बिजली चमकती है, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी रेखाएं होती हैं, ऐसे स्वच्छ आकाश में वो चमकती है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है। उसी ये जो बिजली है ये भी शक्ति स्वरूप, और जो भी चीज़ शक्ति स्वरूप हो, जैसे मैं कह देता क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति वगैरह वगैरह, किसी चीज़ की भी शक्ति है, तो उसी का बाहर मतलब धीरे 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 उसी का स्वरूप है, इस रूप में परिवर्तित होते हुए। तो जो बिजली दिख रही है कुंडलिनी शक्ति का ही स्वरूप है, वह स्वच्छ निर्मल आकाश में इस प्रकार से दिखती है। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.